तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज राइटिंग नेम ऑफ कंपाउंड. सॉल्ट ओके. जब भी किसी सॉल्ट का या कंपाउंड का नेम लिखा जाता है, नेम ऑफ कैटायन फॉलोड बाय एनायन एंड विच वन इज कैटायन एंड विच वन इज एनायन, टेक एलिमेंट विद लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कैटायन एंड मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट as anion. For example, if we have NaCl, okay, now the name of NaCl is first name cation sodium followed by anion chlorine. In the negative, chlorine named as chloride, ChLORID. So the name of sodium NaCl is sodium chloride. If we have MgO, then first one is magnesium followed by oxygen, which is as oxide. So magnesium oxide. If we take another example of OF2, which one is more electron negative, oxygen or fluorine? Fluorine. Fluorine is more electron negative, that's why it is fluoride. Oxygen fluoride, not oxide. Okay, after fluorine, oxygen is most electron negative element in periodic table. That's why all the rest elements form oxide with oxygen other than fluorine. Okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. So, first application is name of salt. Okay. Second application is nature of oxide, hydroxide and oxy acids. Okay, so how will you define or nature or acidic nature? You can say acidic nature, nature of oxide, hydroxide and oxy acids. Okay, let's say this sodium oxide, magnesium oxide, L2O3, SiO2, P2O5, then Cl2O7. Okay, these are elements of third period. So the electron negativity of sodium is least, while chlorine has maximum electron negativity in second, in third period. So the what is the concept? If electron negativity increases, acidic character increases. By using this concept, we have Cl2O7 is most acidic, while Na2O is least acidic. If we talk about the nature of these oxides, Na2O is most basic, MgO is basic, L2O3 is amphoteric, SiO2 is weak acidic, P2O5 as acidic, SO3 as a strong acid,
lick and Cl2O7 strongest acidic. Okay, so आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है. अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है. तो आप देख सकते हैं ये मोस्ट बेसिक है और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक. लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है वन बाय वन. सबसे वाला मोस्ट एसिडिक है, देन बेसिक हुआ मतलब थोड़ा सा वीक हुआ उसके कंपेरिजन में, फिर नेक्स्ट वाला एम्फोटेरिक हो गया, फिर वीक एसिडिक, एसिडिक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट ये हमारे पास आया. तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रहा है और एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. ठीक है बेटा, क्लियर है ये? यस सर. ओके, सेम इसी तरीके से अगर आप चाहें तो Li2O DeO B2O3 CO2 इनमें भी कंपैरिजन कर सकते हैं N2O5. आप अगर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना चाहें तो बताएं एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं. ओके, और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नॉर्मल ट्रेंड है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज है. तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन हो गया, नाइट्रोजन, और लीस्ट कौन हो गया, लिथियम. सो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी हमारे पास यही होगा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है. तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा हमारे पास, Na2O5, और लीस्ट एसिडिक कौन होगा हमारे पास, Li2O. ओके, यस सर, यस सर. सो यहां तक हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर को लेकर बात हुआ ऑक्साइड्स के. हाइड्रोक्साइड्स के लिए अगर आप बात करोगे तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NaOH, then magnesium hydroxide, Al2O3. We know that the electron negativity of sodium is lowest, while aluminium is greater than magnesium. Magnesium is greater than sodium. So the acidic character increases like this, okay? Because electron negativity of sodium is less than magnesium, is less than aluminium. ठीक है बेटा, ये हाइड्रोक्साइड्स के लिए भी आप इस तरीके से लिख सकते हो. यहाँ पे हाइड्रोक्साइड को इंक्लूड कर लेते हैं. NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेसिक कैरेक्टर का होगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का. अब आप कहेंगे कि सर एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस. मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता हो उसे क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक कहा जाता है. ओके, अब अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला है दैट मींस ऑक्साइड विच एक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस. ओके, सिमिलरली हाइड्रोक्साइड्स के लिए बोला जाता है व्हाट इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, and hydroxide which can act with acid as well as base. Similarly, अगर oxy acid के लिए या किसी भी और element के लिए बोला जाए, matter के लिए बोला जाए, तो amphoteric का simple means है acid और base दोनों के साथ react करने वाला. Clear है बेटा? Yes sir. Okay. Next thing, अगर हम बात करें, ये हमने hydroxides के लिए भी बात कर लिया. अब अगर आप कोई और ट्रेंड पूछे और किसी और तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे LiOH, NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड. अब आप मुझे इसमें बताएं कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा. सिमिलरली जब तक आप ये क्वेश्चन करते हैं मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको इनमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। LiOH will be the most acidic. Okay, Li is most acidic. And so least to be CSOH. Sorry? Yes, sir. So least to be CSOH. Which one is least acidic? So cesium hydroxide. Cesium hydroxide. Okay. Cesium hydroxide. Okay. Any other answer? देखिए बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिथियम का लीस्ट होगा और सीजियम, सॉरी लिथियम का मोस्ट होगा और सीजियम हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। ओके, लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दैट मींस हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर मिनिमम सीजियम हाइड्रोक्साइड का हो गया मिनिमम एसिडिक और मोस्ट एसिडिक। ओके, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोस्ट एसिडिक हो गया, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो अगर मोस्ट एसिडिक, अगर हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। सिमिलर ट्रेंड हमारे पास यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, ये एसिडिक मोस्ट एसिडिक और ये लीस्ट एसिडिक हमारे पास हो। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में बात कर चुके हैं, कर सकते हैं। सेम यही ऑर्डर हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड से लेकर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से लेके बेरियम हाइड्रोक्साइड तक होगा हमारे पास। यहाँ पे मोस्ट एसिड, मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट एसिडिक, ये ट्रेंड होगा इनके बीच में। सिमिलर फॉर Li2O एंड CS2, इनके लिए भी ऐसा ही होगा, मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। ठीक है बेटा, ये ट्रेंड समझ में आ गया, ये एप्लीकेशन समझ में आया आपको। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसमें। ठीक है बेटा, यस यस। ओके, अब अगर आपके पास एलिमेंट सेम हो, ठीक है, बट हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो, तब क्या करोगे? तब किस तरीके से आप एसिडिक कैरेक्टर फाइंड आउट करोगे? जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया SO2 एंड SO3। अब आपके पास ये दोनों है, इसमें एलिमेंट तो सेम है, सल्फर ही है, ठीक है, बट यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, तो ऐसे केस में फिर आप एसिडिक कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, ऐसे केसेस में आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक करें, या फिर हम आगे एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स चैप्टर, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास आता है। मैं कंसेप्ट यही बता देता हूँ आपको, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास उस चैप्टर में आएगा। तो आपके पास अगर एलिमेंट सेम हो तो आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा आपके पास। ठीक है, आप यहां देखिए SO2 है आपके पास और ये क्या है? SO3 है। यहां पर अगर सल्फर के ऊपर पॉजिटिव नंबर अगर चेक करोगे आप तो +4 है, और यहां चेक करोगे तो +6 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, राइट? सो सल्फर यहाँ +4 में है,
और यहाँ सल्फर प्लस सिक्स में है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2. सिमिलरली H2SO3, जब SO2 को आप पानी के अंदर मिक्स करते हो तो आपके पास जो एसिड बनता है वो H2SO3 होता है, और जब SO3 को आप मिक्स करते हो वाटर के अंदर तब आपके पास बनता है H2SO4. अब जो इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वही एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर यहाँ पर होगा, तो SO3 के कंपैरिजन में H2SO4, यह है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका नेम होता है सल्फ्यूरस एसिड. ओके, इसमें आप जो लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है वो एस एसिड होता है, और जो मोर एसिड नंबर ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड होता है उसको इक एसिड बोलता है. ठीक है, तो जैसे आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो HNO2 एंड HNO3, यहाँ पे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर है. जो लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला है उसके नेम के पीछे क्या आएगा, अस, तो इसका नाम है नाइट्रस एसिड, और मोर वाले के पीछे क्या आएगा, इक, तो इसका नेम है नाइट्रिक एसिड. ओके, जब दो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं तो इस तरीके से नेम लिखा जाता है आपके पास. ठीक है, तीन वालों के लिए अलग रूल आता है, चार वालों के लिए अलग रूल आता है. ठीक है, ये रूल भी हमारे पास आगे आने वाला है. तो इस तरीके से आप एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, these are oxy acids of chlorine. ठीक है, this is called perchloric acid. जैसा कि मैंने कहा, अब बस अगर दो ऑक्सीडेशन नंबर है तो नेम लिखने का तरीका अलग होगा, तीन है तो अलग होगा, चार है तो अलग होगा, तो इसका नाम होगा परक्लोरिक एसिड. प्रीवियस वन इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड. दिस इज क्लोरस एसिड एंड दिस वन इज हाइपोक्लोरस एसिड. सो अगर कोई एक एलिमेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो लीस ऑक्सीडेशन नंबर का जो एसिड होगा उसका नेम होगा हाइपो अस. ठीक है, उससे ज्यादा वाले का नेम होगा अस एसिड, उससे ज्यादा वाले का नेम होगा इक एसिड, और सबसे ज्यादा वाले का नेम होगा पर इक एसिड. ठीक है, ये रूल्स है, ये आगे आएंगे आपके पास. ठीक है, अभी आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप बात करें तो प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन. ठीक है, अब बताइए मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा. सुजल आप बताएं बेटा, विच वन इज मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक. सुजल The most acidic is this because it has maximum oxidation number, which is plus 7. Then the second one is HClO3, third one is HClO2, then HClO. So the most acidic is HClO4. And आप HClO4 के लिए एक स्टेटमेंट आप और चाहें तो लिख सकते हैं. पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे इनऑर्गेनिक में हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कौन सा है? HClO4. Perchloric acid is the strongest inorganic acid हमारे पास. Inorganic का लेबोरेटरी के अंदर आपके पास जितने भी एसिड्स हैं उनमें inorganic का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HClO4. बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये. ठीक है, नोट इट डाउन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ये एप्लीकेशन क्लियर है बेटा आपको सबको?
Now the next application is bond length. Third one is bond length. How will you calculate bond length with the help of electronegativity? If you have bond A, bond B, then the bond length of bond AB is equals to radius of A plus radius of B minus 0.09 into del En, where del En is equals to electronegativity of higher one, let's say B, minus electronegativity of lower one. Okay, दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा हायर माइनस लोअर होगा, मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होना होगा आपके पास. ओके, सो दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है, और फिर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.37 पिकोमीटर, वेल रेडियस ऑफ क्लोरीन is 37 picometer, 99 picometers, and electronegativity of hydrogen is 2.1, while for electronegativity of chlorine take 3.0. ठीक है, वैसे 3.16 होता है, बट आप 3.0 लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. फाइंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बॉन्ड. HCl बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कीजिए. यहां आपको एक चीज और ध्यान रखना है, ये रेडियसेस आपको जो दिए हुए हैं आर ए एंड आर बी आर एन एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास एंगस्ट्रॉम में होगा. Now calculate this. आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स है, ट्राई कीजिए. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए इतना टाइम सफिशिएंट है बेटा. अब यहाँ पर आपको वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, बट क्वेश्चन के अंदर तो हमें पिकोमीटर्स में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 0.01 मीटर्स, व्हाइल 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स. सो अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, सो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0.37 एंगस्ट्रॉम, व्हाइल रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 0.99 एंगस्ट्रॉम. Now put to calculate bond length is equals to 0.37 radius of hydrogen plus radius of chlorine, which is 0.99 minus 0.09 into del En, which is equals to 3 minus 2.9. 3 minus 2.9, that means 0.9. Ab calculate karenge yahan pe, to 1.36 minus 0.09 into 0.9. ठीक है, 1.36 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0.081, ये आपके पास हो जाएगा. अगर आप एप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं तो 1.35 के अराउंड होगा. सॉरी 120
7. Thanks, Tom. ये आपके पास आंसर होगा. पिकोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं तो 127 पिकोमीटर्स के अराउंड. इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा. चेक करके बताइए क्या मैंने सही किया. ये 1.36 माइनस 0.081, ठीक है बेटा. 1.27 एंगस्ट्रॉम आपके पास आंसर हो जाएगा. तो दैट मींस हाइड्रोजन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 127 पिकोमीटर्स है. ओके यस सर. ओके तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया. अब आप फॉर्मूला चाहे तो चेंज कर सकते हैं. बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 9 इंटू डेल ई एन. अगर आपको किसमें वैल्यू दिया हुआ हो, यहां पर आर ए आर बी किसमें है, पिकोमीटर्स में है इस वाले फॉर्मूला के लिए, और फर्स्ट वाले के लिए किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है. ये दो फॉर्मूलाज हो गए आपके पास, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है. आपको डायरेक्टली लेंथ में आते हैं सर. सॉरी सर, मेनली सर लेंथ एग्जाम में क्या क्या कौन से दोनों में आ सकती है बेटे. दोनों बहुत पॉपुलर है, पिकोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम दोनों ही बहुत पॉपुलर है. लेंथ हमारे पास दोनों ही बहुत पॉपुलर है, जो यूनिट है दोनों में आ सकता है. ओके सर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को लेकर, ठीक है. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड. ओके, किसी भी बॉन्ड के लिए अगर हम लोग आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल ई एन प्लस 3.5 डेल ई एन होल स्क्वायर. ये आपके पास फॉर्मूला होगा. जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं. सीजियम फ्लोराइड है आपके पास, कोई कंपाउंड है. सो सीजियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.8, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4.0 होता है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज दे रखी हैं आपको. फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ सीजियम फ्लोराइड बॉन्ड, ठीक, ट्राई कीजिए. ठीक है, एक मिनट है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने. पर ही एंड होनी चाहिए, बट फिर भी हो सकता है कि अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती हो और अलग अलग स्टूडेंट्स का आंसर अलग अलग आते हैं, क्योंकि आप सब लोग इस गोले के निवासी नहीं हैं, ठीक है, अलग अलग गोलों से आए हैं. कर पाएंगे? यस सर. ठीक है बेटा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है. सो अब ये आपके पास एप्लीकेशन हमारे पास कंप्लीट हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के. तो हमने फर्स्ट कंपाउंड का नेम या सॉल्ट का नेम लिखना देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे. सेकंड हम लोगों ने ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स का नेचर देखा. अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ. ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है या एसिडिक जो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो और वो ऑक्सीजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हो, उन्हें ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके पास HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H2SO4, H2SO3, ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड्स के एग्जांपल हैं. HNO2, HNO3 ये ऑक्सी एसिड्स के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा बॉन्ड लेंथ का. बॉन्ड लेंथ के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसे स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला बोलते हैं. स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ का, स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला, ठीक है. नेक्स्ट फिर हम लोगों ने